अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल कुकिंग विद नाज़रीन को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। तो व्यूअर्स, चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की जो सी हमारी रेसिपी है बहुत ही मज़ेदार, स्पेशल सी और झटपट बनने वाली रेसिपी है। जी हाँ, ये जो हमारी रेसिपी है ये है आलूओं के हवाले से, और आज जो हम आपको बनाना सिखा रहे हैं वो है क्रिस्पी, क्रंची, स्पाइसी, टेस्टी पोटैटो बॉल्स। तो पोटैटो बॉल्स की रेसिपी क्या है और ये किस तरह बनेगी, ये जानते हैं मामा से। जी मामा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये मैंने आलू उबाल लिए हैं, इसमें ना मैंने सूखा धनिया डाला है, अनारदाना डाला है, ठीक है। मतलब कितना आपने, एक चम्मच लिया है आलू, एक चम्मच हाँ जी, सूखा धनिया और अनारदाना हम लोगों ने डाल दिया। आलू होंगे 1.5 किलो, ठीक है, उनको हम लोगों ने बॉईल कर लिया। हाँ, बाकी ये ना अपने हिसाब से आप मिर्चें डाल सकते हैं, ना मैंने ना अपने हिसाब से ना जरा हल्की रखनी है। हाँ जी, ठीक तो है। एक चम्मच नमक का, ठीक है, तो आधी चम्मच दादी मिर्च के, दादी मिर्च के डाल देते हैं। अच्छा जी, ठीक है, और अब लास्ट में जीरा। बस हम लोगों ने ये चार स्पाइस ही डाल दी है इसके अंदर। जीरा नहीं, वो मैं बताती हूँ अभी, ये जीरा इसमें बेसन में जिसकी हम लोगों ने कोटिंग करनी है, अब वो हम लोग उसके भी चीज़ें डाल रहे हैं। मिर्च थोड़ी सी ज़्यादा डाल देते हैं बेसन में। अच्छा जी, नमक ये बेसन में डाल दिया, ठीक है, इसे मैं घोल लूँगी। थोड़ा सा मैंने घी भी डाला इसमें। अच्छा, ये प्याज है, धनिया है, हरी मिर्च है, ये सारी डाल दूँगी। ओके, दो मतलब मैंने रखा था। पहले स्पाइस डाल दिए हैं, उसके बाद हाँ जी, ये ना मैंने ना इतने ना मसल लेती हूँ ना इसका, मतलब अच्छी तरह से इनको मैश कर लेना है आपने और मिक्स कर लेना है। तो आपने पहले नमक मिर्च डाली, उसके बाद इसके अंदर प्याज और हरी मिर्च, और हरी मिर्च भी है, हरा धनिया मैंने बारीक बारीक काटी है, आपको नजर आई है, ठीक है, मतलब हरा धनिया हरी मिर्च ही हम लोगों ने डाल दी है इसके अंदर, इसमें और अच्छी तरह से इसको हम लोग अब मिक्स कर रहे हैं। प्याज डाला है, अनारदाना और सूखा धनिया, बाकी ये आम मसाले जो हमारे घर के होते हैं। तो जी, बहुत ही मज़ेदार से बने वाले पोटैटो बॉल्स बच्चों को बहुत पसंद आएंगे, क्योंकि जो से आलू हैं बच्चों को बहुत पसंद होते हैं, वो शौक़ से खाते हैं, तो फ्लेवर भी चेंज हो जाएगा। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और हमें फीडबैक देनी है, बहुत ही मज़ेदार से बनेंगे। ये देख लें आप किस तरह, मतलब स्मूथली मम्मा इनको मैश कर रहे हैं, कितनी अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपके जो से आलू अच्छी तरह से मैश हुए होंगे, मिक्स हुआ होगा उसके अंदर नमक मिर्च, तभी ही मज़ेदार से ये जो हमारी बॉल्स हैं पोटैटो बॉल्स वो रेडी होंगी। तो हम बनाकर भी दिखाएंगे ना व्यूअर्स को, कैसे ये मैं जरा कर लूं ना, फिर दिखाती हूं मैं ना ये मिक्स कर लूं। ठीक है, तो व्यूअर्स आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारी आज की वीडियो को पूरा देखना, देखना कि मजेदार से जो से पोटैटो बॉल्स की रेसिपी है वो कैसे तैयार होगी। जी तो व्यूअर्स, अब हम लोगों ने चना से इसको मिक्स कर लिया है आलुओं को, अब जो सा है मम्मा आपके सामने ये बॉल्स बना रहे हैं, ये देख लें आप लोग। कैसे इसको मतलब राउंड 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 करके इसको गोल किया जा रहा है, और ये देखें मज़ेदार से जो उनसे पोटैटो बॉल्स हैं वो रेडी किए जा रहे हैं। इसी तरह बाकी सारे हम लोग जो उनसे हमारी बॉल्स हैं उनको हम लोग तैयार कर लेंगे जी। तो बहुत अच्छी तरह से जैसे मतलब आपको सिखाया जा रहा है, इसी तरह इन्हीं इंस्ट्रक्शंस को आप लोगों ने फॉलो करना है, इसी वे से आप लोगों ने बनाना है। तो इंशाल्लाह जो आप बनाएंगे, इंशाल्लाह वो आपकी जो उनसे बॉल्स हैं वो बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, खुलेंगे नहीं। तो आप लोग देखें मतलब कितना अच्छी तरह से इस मतलब इसको पहले वन साइड फिर टू साइड, मतलब दोनों तरह से इसको अच्छी तरह से मतलब रोल करके इसको बना रहे हैं, पहले इसको दबा के अच्छी तरह से ताकि फिर वो टूटे ना हमारी बॉल्स। ये मैंने बना लिया, अब मैं ना आपके सामने ना अंडे के साथ भी आप तल सकते हैं, मैं ना बेसन में कर रही हूँ। ठीक है, अब हमने इसकी कोटिंग करनी है, हम उसकी तरफ आ गए हैं। तो हम लोगों ने इसके अंदर जो नमक मिर्च है वो आप, अगर आप लोगों ने हमारी वीडियो को पूरा देखा तो आपको आइडिया है कि हम लोगों ने क्या क्या डाला है, कितना कितना डाला है, उसको अच्छी तरह से हम लोग इसको मिक्स कर रहे हैं जी। और बस इसके अंदर हम डिप करके इसकी कोटिंग करके इसको फ्राई कर लेंगे। हाँ जी, आपको दिखाते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हम लोगों ने जो सा है वो घी फ्राई होने के लिए रखा हुआ था ऑयल, तो अब हम लोगों ने इसको गर्म करने के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये जो हम लोगों ने पोटैटो बॉल है इसको फ्राई होने के लिए तवे के ऊपर डाल दिया है। तो आप चाहे इसको फ्राई पैन में या इसको मतलब कढ़ाई में, जिस तरह आपको इजी हो इसको आप लोग फ्राई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि जो सा घी है इसको खास टेम्परेचर पर गर्म करना है, और घी आपका सही मिकदार में गर्म होना चाहिए, एक टेम्परेचर पर गर्म होना चाहिए, वरना ये जो सा आपके पोटैटोज़ हैं ये मतलब सही तरह से इसकी कोटिंग जो सी है वो नहीं फ्राई हो पाएगी, जल भी सकती है या कच्ची भी रह सकती है। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह,
एक और बॉल हम लोगों ने डाल दी है। इसी तरह बाकी सारे वन बाय वन जितने भी हम लोगों ने पोटैटो बॉल्स रेडी करने हैं उन सबको हमने इसी तरह इसी तरीके से फ्राई कर लेना है। तो वे फिर मैंने इसलिए तले हैं, ये खुला होता है ना तो इससे ना आसानी से हो जाता है लाए जाते हैं। ये देखें माशाल्लाह, आप इजीली हम इसको मतलब मूव कर सकते हैं, इसको टर्न कर सकते हैं, पलट सकते हैं हम लोग, इसलिए हम लोगों ने इसको मतलब तवे पे फ्राई किया। लेकिन आपकी चॉइस है कि आप जिस पे मर्जी मतलब फ्राई पैन या कढ़ाई जितना भी आपको इजी हो, जो अवेलेबिलिटी हो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। बस इसी ना आराम से उतारने में ना आसानी होगी। ये देखिए ना पिलर में माशाल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए कलर कितना प्यारा आ गया है, गोल्डन कलर हम लोगों ने दिया क्योंकि घी हमारा बहुत अच्छा सा गर्म हुआ हुआ था एक ख़ास टेम्परेचर पे, तो इसलिए इसका कलर बहुत ही ज़बरदस्त और उम्दा आया है। तो व्यूअर्स आप लोगों ने हमारी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। पोटैटो बॉल्स की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है, झटपट बन गई है और टाइम भी नहीं लगता, थोड़ा सा फ्लेवर भी चेंज हो जाएगा, आप लोगों के लिए एक यूनिक से अच्छी सी रेसिपी बन जाएगी। और व्यूअर्स ऐसी मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे, हमारे चैनल को क्योंकि दाल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। बच्चे भी शौक से खा लेंगे ये, और बच्चे भी शौक से खा लेंगे। इसी तरह हम लोगों ने इनको फ्राई करना है और आपको दिखाते हैं कि इनका फाइनल लुक क्या होगा। मैं ना निकाल रही हूँ, देखिए किससे प्यारा कलर आ गया इसका। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितनी अच्छी बनी, बिल्कुल भी कोई भी जो सी हमारी पोटैटो बॉल है वो नहीं खुली, नहीं टूटी, और जो सा कलर है ना माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त गोल्डन ब्राउन आया। हाँ जी, ये तो विवर्स माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो हमारी आज की रेसिपी है पोटैटो बॉल्स बिल्कुल फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आया है, खुशबू का क्या ही कहना, कितनी उम्दा खुशबू आ रही है। ये है इसका फाइनल लुक, ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छे बॉल्स बने, बिल्कुल भी नहीं टूटे, कोई बॉल नहीं खुला, और जो कोटिंग है वो भी बिल्कुल नहीं उतरी। और क्योंकि हमारी रेसिपी क्रिस्पी क्रंची पोटैटो बॉल्स है तो बहुत ही ज़बरदस्त ही क्रिस्पी से इसकी जो कोटिंग है वो हुई हुई है। तो उम्मीद करते हैं व्यूअर्स कि आपको हमारी आज की जो सी रेसिपी है पसंद आएगी, पसंद आए तो हमें अपनी फीडबैक दें, इसके साथ साथ हमारे चैनल को कभी सब्सक्राइब करना मत भूलें। और अगर इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपी सीखना चाहते हैं या आप लोग रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप लोग हमसे वो भी कर सकते हैं, इंशाल्लाह आप लोगों की रिक्वेस्ट को भी पूरा किया जाएगा। तो व्यूअर्स इस रेसिपी को ट्राई करें और हमें अपनी फीडबैक दें। तो अब हम आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, हम आपके लिए दुआ करूँ, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।